तो हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैपेसिटर जो होता है वो सीरीज में कैसे बिहेव करता है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हम लोग अगर सीरीज में, जैसे ये ढेर सारे कैपेसिटर होता है ना, मान लीजिए एक दो, मैं सीरीज का बात कर रहा हूँ। सीरीज का मतलब कि सीरीज मतलब होता है कि मान लीजिए, देखिए यहाँ तीन कैपेसिटर ऐसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे एक बैटरी लगा दी मैंने, ठीक। सीरीज में क्या होता है, एक ही कनेक्शन, एक ही वायर में हम लोग ढेर सारा जो कंपोनेंट डालते हैं उसको सीरीज बोलता है। तो हम लोग वही देखने वाले हैं कि जो सीरीज में कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन कैपेसिटर है, एक दो और तीन, तीन तो कैपेसिटर है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या इसका जो, हम लोग अगर चाहेंगे कि ये तीनों कैपेसिटर नहीं लगा के हम लोग सिर्फ एक कैपेसिटर लगाएं, मतलब क्या सिर्फ एक कैपेसिटर लगाएं, तो उसका जो हम लोग का जो फाइनल जो वैल्यू मिलेगा, मतलब उसका जो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगा वो कितना होगा। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग यही पता करेंगे। आज इसका मैं फॉर्मूला बताऊंगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो देखिए, अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमें कोई इक्विवेलेंट, मतलब क्या होता है, हम लोग तीनों को इक्वल करना होता है कि कोई एक इक्वल कैपेसिटर का क्या वैल्यू आएगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है ये, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C से लेकर के 1/N तक, मतलब जितना कैपेसिटर है उतना क्या होता है, हम लोग उतना लगाते जाते हैं 1/C 1/C करके। मतलब कि इसमें जैसा कि देख सकते हैं इसमें तीन कैपेसिटर है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। मतलब क्या हुआ, इसमें तीन कैपेसिटर है तो हम लोग इसमें तीन बार लिखेंगे 1/C 1/C 1/C, और इसमें जो सी का जो वैल्यू होगा उस सबको हम लोग यहाँ सी में पुट कर देंगे, तो हम लोग क्या हो जाएगा, फाइनल कैपेसिटेंस वैल्यू निकल ही जाएगा। चलिए हम लोग आगे एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक प्रॉब्लम में क्या दिया, यहाँ फिर से एक तीन कैपेसिटर है, 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड, तीनों 3 माइक्रोफेरेड का क्या है कैपेसिटर है। इसका जो क्या बोलता है पोटेंशियल, पोटेंशियल जो है वी है। तो हम लोग को पता करना है कि इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जितना कैपेसिटर है उतना हम लोग को क्या करना है, उतना हम लोग को 1/C करके पुट करते जाना है सीरीज में। तो देख सकते हैं, तो हम लोग क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो हम लोग का क्या होगा, 3 हो जाएगा एलसीएम, ठीक। यहाँ पे है 3 एलसीएम है, यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पे भी 3 होगा, मतलब क्या होगा, 1 माइक्रो फेराड। मतलब कि अगर हम लोग चाहेंगे तो ये तीनों हटा के बस एक 1 माइक्रो फेराड कैपेसिटर लगा सकते हैं, तो उसमें भी हम लोग काम हो जाएगा। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो अगले वीडियो हम लोग बात करेंगे कि पैरेलल में कैसा होता है, हम लोग पैरेलल में कैसा कैपेसिटर का हम लोग इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।